हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों चलिए आज बात करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री के एक बेस्ट कलाकार, बेस्ट हीरोइन सुभी शर्मा के बारे में। दोस्तों जानेंगे सुभी शर्मा की भोजपुरी इंडस्ट्री में आने की एंट्री। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सुभी शर्मा के बारे में कुछ जानते हैं। दोस्तों बात करें सुभी शर्मा की, तो दोस्तों बता दें कि सुभी शर्मा भोजपुरी इंडस्ट्री में साल 2008 में ही आ गई थी। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, साल 2008 में ही भोजपुरी इंडस्ट्री में सुभी शर्मा आ गई थी दोस्तों। लेकिन दोस्तों बता दें कि सुभी शर्मा की भोजपुरी इंडस्ट्री में पहली मूवी रिलीज हुई थी साल 2010 में दोस्तों, और इस सुभी शर्मा की भोजपुरी मूवी का नाम था चलनी के चालल दुल्हा। जी हाँ दोस्तों, चलनी के चालल दुल्हा से भोजपुरी इंडस्ट्री में डेब्यू की थी सुभी शर्मा। दोस्तों बात करें सुभी शर्मा की भोजपुरी इंडस्ट्री में आने से पहले ही दोस्तों, सुभी शर्मा राजस्थानी मूवी में नजर आती थी दोस्तों, और राजस्थानी के गाने एल्बम में भी नजर आती थी दोस्तों। दोस्तों बता दें कि सुभी शर्मा अब तक भोजपुरी में 50 से ज्यादा मूवी में काम कर चुकी है दोस्तों, और भोजपुरी इंडस्ट्री के एक बेस्ट कलाकार, बेस्ट हीरोइन सुभी शर्मा को माना जाता है दोस्तों। दोस्तों भोजपुरी के अलावा सुभी शर्मा वेलकम टू मूवी में भी, बॉलीवुड के मूवी में भी नजर आ चुकी हैं दोस्तों। वही दोस्तों बॉलीवुड के मूवी गोविंदा के साथ हनी है तो फनी है जैसे मूवी में ये नजर आ चुकी है दोस्तों। दोस्तों बता दें कि सुभी शर्मा की जोड़ी भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल, पवन सिंह या बड़े बड़े एक्टर के साथ भोजपुरी इंडस्ट्री में नजर आती है दोस्तों। दोस्तों बात करें सुभी घर की, तो बता दें दोस्तों कि सुभी शर्मा का घर यूपी बिहार झारखंड में नहीं है दोस्तों, बल्कि सुभी शर्मा राजस्थान के जयपुर से बिलोंग करती हैं। जी हाँ दोस्तों, सुभी शर्मा एक राजस्थानी एक्ट्रेस है दोस्तों, और ये राजस्थान के जयपुर से बिलोंग करती हैं दोस्तों। दोस्तों इनका घर राजस्थान के जयपुर में है दोस्तों, और आप वीडियो में सुभी शर्मा का घर देख सकते हो दोस्तों, यही है सुभी शर्मा का घर। तो दोस्तों अगर आपको यह सुभी शर्मा का वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। जय हिंद, जय भोजपुरी समाज।